पनीर पकोड़ा बनाने का तरीका। इसमें मैं ब्रेड क्रम्स के साथ कैसे बनाते हैं उसे भी दिखाया है। पहले अदरक को काट के रखे, धनिया के पत्ते को काट के रखे, हरी मिर्च को काट के रखे, पुदीना को काट के रखे, प्याज को काट के रखे। फिर 100 ग्राम बेसन लीजिए, पच्चीस ग्राम चावल का आटा, 25 ग्राम मैदा, 1 चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच कुकिंग सोडा डाले, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाले, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाले और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल के रखें। फिर 100 ग्राम पनीर लेके इसे स्मैश करके बॉल में डालें। अभी इसे दिखाए गए निरंतरता के लिए इसे अच्छे से मिला के रखें। चाहे तो अब थोड़ा पानी डाल सकते हैं। दिखाए गए निरंतरता के लिए मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा लेके गोलाकार में बना के गरम तेल में तलने दें। सुनहरा भूरा रंग होते ही इसे निकाल के आप इसे खा सकते हैं। अभी आटे को ब्रेड क्रम्स में ऐसे डिप करके गरम तेल में तलने दे और इसे भी सुनहरा भूरा रंग होते ही निकाल देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। ब्रेड क्रम्स डाल के तलना ऑप्शनल है। अगर आपके घर में ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और वो भी बड़ा स्वादिष्ट रहेगा। दोनों बड़ा स्वादिष्ट होता है। आप भी ट्राई कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।